अस्सलामुअलैकुम जी गाइस, एक नई गेम है स्नोकर की। नई तो नहीं है, काफ़ी पुरानी है, लेकिन मैंने नई नई शुरू की है। मैं भी टॉप फाइव में हूँ, वो भी टॉप 5% में है। ये कम से कम कोई 4000 नंबर पे मैं भी होऊंगा, और ये भी कहीं इसी नंबर पे ही होगा ऐसे। तो ये भाई 178 मैचों में 112 जीते हुए हैं। अच्छी एवरेज है इसकी भाई की, अचीवमेंट भी ठीक है। अभी देखें हमारे साथ गेम होती है तो क्या होता है। अच्छा, ये जब मैं गेम खेल रहा था ना, तो ये रेड एक दफ़ा ये मैं डालने नहीं था लगा, ये मैं सेव करने लगा। मैंने सोचा नहीं यार, ट्राई करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चली गई। अब देखें आगे गेम, ये एक बारी में सारी गेम फिनिश हो सकती थी, लेकिन क्या हमें जो है ना, वो क्या कहते हैं, पाकिस्तानियों को थोड़ा शोहा बनने की आदत होती है, वही काम हुआ मेरे साथ भी। ये मैं तीन तीन ब्लैक के मारता हूँ चार, और उसके बाद बन जाता हूँ शोहा, फिर हो जाता है काम। बस ये हो गया, अभी बस आप देखते जाएं और इन्जॉय करते जाएं गेम को। अगर भाई कोई भी बंदा ये गेम खेलना चाहता है, तो इसका नाम है रियल स्नोकर 3D। काफ़ी अच्छी गेम है, अच्छे ग्राफिक्स हैं इसके, और क्विक प्ले नहीं है इसमें, लेकिन वैसे प्लेयर हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं, वो कंप्यूटराइज जो होते हैं वो हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेवल्स हैं वो आप पार करो, उनको आप क्लियर करते हैं, तो फिर आपको जो है ना आगे स्टार मिलते हैं, उसके बाद फिर वो पैसे मिलते हैं, उसे फिर अच्छी स्टिक मिलती हैं। काफ़ी अच्छा प्रोसीजर है योगा। अगर कोई बंदा जिसका टाइम नहीं ना गुजर रहा, तो वो ये गेम कर ले, काफ़ी अच्छी गेम है। अच्छा, ये जो है ना, ये अभी देखेंगे, जो शार्ट खेलने लगो, ये शार्ट देखना, ये ना अभी ये रेड डालूँगा ऊपर वाली जो इधर ऊपर पड़ी हुई है, देखिए कैसी रिस्की शॉट थी, डबल माइंड था यहाँ पे। लेकिन फिर मैंने ट्राई की, मैंने कहा सेव नहीं करना, ट्राई लेता हूँ। तो मैंने ट्राई ली, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये चली गई। देखो ये रेड डाल के, और मैं देखना अब पॉइंट नंबर मिस करने लगा। देखें इतनी मुश्किल बॉल डाली, अब ये कहते हैं ना फोंडी बनना, वो बस हो गया काम हमारा। ईजी बॉल जा रही थी, बस हमने शोहू बनना था ना, बस स्टोक दे दी, वो पीस बाहर आ गई, गलती हो गई इधर से। और जो मेरा भाई ये गेम देख रहा है, मेहरबानी करके चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। और ये देखें इधर, इस भाई को मैंने चांस दिया था, और भाई साहब ने कहा जी नहीं, हम तो आपको गेम जितवाएंगे, हम तो आपके फ़ैन हैं। हमने कहा कोई मसला नहीं भाई, आप जितवाएं गेम, हम भी जीत लेते हैं। फिर इसके बाद हमने बारी नहीं दी इसके भाई को, इसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले ही हो गई। अभी इसके बाद तो जैसे रेडें पड़ी हुई हैं, बस आराम से, बस मारने वाली बात है, मारे जाओ और अगले को उसका काम बुलाते जाओ। अच्छा, जब ये मैंने रेड डाली थी ना, तो ये भाई गेम छोड़ के चला गया हुआ था, ये पिंक डालने से पहले ही। ये वैसे मेरी विनिंग शॉट थी, ये जाती तो मैं जीत जाता, अभी मैं जीत चुका हूँ, है ना, गेम जीत चुका हूँ। ये तो बस वैसे ही वो इन्जॉयमेंट के लिए। इसके बाद मैं ये कि मिस कर देता हूँ, इसके बाद ये ब्लैक मार के ना, उसके बाद मैं रेड मिस कर देता हूँ। वो कहें सही, इसको जो है ना बनाता नहीं, इसको अगर मैं फॉलो साइड देता तो ये उस पॉकेट में बन जाती सेंटर वाले में। मैंने इसको चेक के साथ खेला, और इसकी वजह से जो है ना इधर आ गया स्ट्राइकर। लेकिन नेवर माइंड, मैं गेम तो मैं जीत चुका था, और भाई ने भी अच्छी गेम नहीं की।